भारत और नेपाल सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के अफसरों के बीच हर माह बैठक होती है, पर कोविड-19 के चलते काफ़ी महीनों से बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए आज बैठक की गई, जिसमें पीलीभीत जिला अधिकारी पुलकित खेरे और पीलीभीत पुलिस अध्यक्ष किरीट सिंह राठौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं नेपाल के कंचनपुर के SPDM APF मौजूद रहे। इस दौरान दोनों देशों के अफसरों के बीच इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर नेपाली अधिकारी के साथ हर माह बैठक की जाती थी। पिछले कुछ माह से कोविड-19 के चलते बैठक नहीं हो पाई थी, वही आज फिर भी जिला अधिकारी और पुलिस अध्यक्ष ने पिलर संख्या 38 के नोमोन्सलैंड पर नेपाल के द्वारा की जा रही सड़क निर्माण को लेकर नेपाल के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसमें दोनों तरफ से अफसरों ने कई मुद्दों पर चर्चा की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी बात की गई। नेपाल की तरफ से नो मेंस लैंड पर बनवाई जा रही सड़क निर्माण के खिलाफ कारियों ने रोक लगा दी है। बैठक में यह तय हुआ है कि दोनों तरफ से जब तक जॉइंट सर्विस नहीं हो जाता तब तक नेपाल की तरफ से कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। अधिकारियों के साथ में जो आपकी मीटिंग हुई है, ये किन मामलों पे हुई थी? आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच में और कुछ महीनों के अंतराल में होती है और कोविड की वजह से पिछले कई महीनों से नहीं हो पाई थी, वो आज यहाँ पे संपन्न हुई है। मैं मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय, अन्य अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद रहे, नेपाल की तरफ से भी कंचनपुर के CDO, SP और APF और SSP के भी हेड्स यहाँ पे मौजूद रहे। शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए नेपाल के साथ जो हमारे लगे हुए गांव हैं उनमें है, जो क्राइम्स और इंटेलिजेंस को लेके शेयरिंग होती है, कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसको करा गया। इसी तरह जो जॉइंट सर्वे के अनुसार बॉर्डर पिलर्स बनने हैं या फिर कुछ भी निर्माण कार्य उसी सर्वे के अनुसार होना है, उसी को लेके जानकारी साझा करी गई और हर मुद्दे पे बातचीत बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। सर, नेपाल के अधिकारियों का व्यवहार कैसा रहा? सभी अधिकारियों का, चाहे वो भारत के हों चाहे नेपाल के हों, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग संपन्न हुई और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समस्त मुद्दों पर बात हुई। बारिश सर हुई है, इसमें आपको कुछ कठिनाई वगैरह? नहीं, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से है पूरी मीटिंग संपन्न हुई।